आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ लंच की प्रिपरेशन के साथ। क्या है कि अभी लंच टाइम नहीं हुआ है, मुझे हिचकी आ रही है, लेकिन मैं अभी लंच तैयार कर रही, तो बस उसी वक्त से मैंने व्लॉग जो है स्टार्ट कर दिया है। मैं अभी बना रही हूँ मटन। मैंने ये करीब 300-400 ग्राम तक मटन लिया था और साथ में मैं आलू की सब्ज़ी बनाने वाली, तो इसको मैं सूखा सूखा बनाऊँगी। आज मैंने अभी नाश्ता तक नहीं किया, सुबह से ऐसे ही घूम रही हूँ, बच्चों को भेज दिया है स्कूल और नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया। क्या मैंने कहा खाना बनने के लिए रख दी, क्योंकि आज है जुम्मा तो जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करते हैं और लंच भी रेडी कर लेते हैं। आज मैं बच्चों के आने से पहले लंच रेडी कर लूँगी इसीलिए, क्योंकि फिर उसके बाद उनको ना ट्यूशन जाना होता है, तो फिर ज़रूरी होता है कि खाना उनको टाइम पर मिल जाए, ताकि बच्चे अपने थोड़ी देर रेस्ट करके फिर ट्यूशन चले जाएँ। तो सबसे पहले करती हूँ मैं सारे घर की डस्टिंग, क्लीनिंग और झाड़ू पोछा सारा कुछ करके फिर उसके बाद मैं खुद भी नहाती हूँ। लेकिन आज नाश्ता नहीं करूँगा, आज मैंने नाश्ता जो है वो स्किप कर दिया है, क्योंकि मन नहीं कर रहा है। कभी कभी होता है ना, बिल्कुल मन नहीं करता, और जबकि मैंने आज रात को भी खाना नहीं खाया था, फिर भी मेरा मन नहीं कर रहा नाश्ता करने का, तो मैंने कहा छोड़ो नाश्ता नहीं करती हूँ। अभी ये सारे कपड़ों को तह लगा देते हैं पहले, फिर उसके बाद करते हैं बाकी के काम। हो गए रेडी? चलो पापा के साथ जाओ और नमाज पढ़ के अच्छे से आओ। चलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमजा गए हैं अपने पापा के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए। अब जल्दी से रैयान को भी रेडी कर देते हैं। रैयान अभी नमाज़ के लिए तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि वो जब मैं घर में पढ़ती हूँ ना, तो मेरे साथ लग जाता है पढ़ने के लिए। तो बस जल्दी से चलते हैं, मैं भी नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद में नमाज़ पढ़ते हैं हम लोग भी, है ना रैयान? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई गेम नहीं खेलना। अब चलो जल्दी से नहा लो। हेलो हेलो फ्रेंड्स, खाना खा लीजिए। चलो मुझे भी खाना दो। आ जाओ। भाई तुम नहाए हुए नहीं हो, हट जाओ सामने से। कौन कह रहा नहीं नहाए हुए? सबसे पहले मैं नहाया हूं, नमाज पढ़ के आया था मैं तो। हां, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है फ्रेंड्स जुम्मा, आप सभी को जुम्मा मुबारक हो। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता नहीं, याद भी नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में किया था सलाम, नहीं किया पता नहीं, इसलिए दोबारा कर ले रही हूँ। नहीं करा, नहीं करा। हाँ करा था, पता नहीं मुझे याद नहीं, क्योंकि मैंने व्लॉग स्टार्ट जब किया जब तुम लोग स्कूल थे, तो मुझे याद भी नहीं मैंने किया या नहीं किया, तो इसलिए दोबारा किया था। मैंने सुना है, स्कूल बैठ के सुना था। हाँ मेरे कान बहुत तेज है। और पापा जी मुझे बोल रहे हैं कि मैं चाय वो लग रही हूँ, नेपालन है, चाइनीज नेपालन। नहीं मामा, आपके ना यहाँ बाल थे और पीछे चिमटी थी, वही तो कह रही हूँ चाइना मास्टर। हाँ क्या है, आपके बाल ऐसे हो गए जैसे लग रहा चाइनीज। मामा अब आप कुछ बोलो भी। आप मुझे गुस्सा दिलाते हो इसलिए गोली मोलू। बस हो गया। एक बात बताओ, नमाज के लिए गए थे, इतनी देर तक कहाँ थे? अरे एक लड़का मिल गया था, उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो उससे बात कर रहा हूं। वाह, बोलर से एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा लग जाता है, इतनी लंबी छोड़ी बात। बोलर से गिर गया था, वो फोटो दिखा रहा था उसके पैर में ना, वो डली रोड। एक घंटा लगा फोटो देखने में, हद हो गई। और हमजा तो कब का आ गया था? हमजा कम से कम एक डेढ़ घंटा पहले आ गया था, उसके बाद आप आए हो। हमजा को तो भेज दिया था मैंने। नहीं तो अरे वो पापा हुआ था, भैया का एक्सीडेंट हुआ था, वो तो बहुत पहले की बात है, जब मैं आया भी नहीं था, है ना? हां आया भी नहीं था। नहीं ना, फल ले लेते ना, फल लेने से ही पहले बात हो गई थी ना उन भैया से, तो एक डेढ़ घंटा क्यों लगा मुझे तो इतना ही नहीं पता है। मैं सही कह रही थी, ये जरूर कहीं और गए हुए, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, मम्मा ने कुछ तो किया है। मम्मा ने नहीं किया, पापा आए हैं एक डेढ़ घंटा लगा के, पता नहीं कहाँ गए थे। अब ट्यूशन का बैग लगा रहो, सिलेबस भी रख लो उसमें, कोई पता नहीं है, फिर भी पता कर लेना। हाँ पता कर आना, ठीक है हमजा? ठीक, देखो फिर अभी रुक जा, अभी रुक जा, बताती हूँ। दोनों को इतनी जल्दी रहती है, वो कहते हैं मैं अकेला चला जाऊंगा, कहते मैं अकेला चला जाऊंगा। आराम से रुको, भाई आ रहा है। बाहर निकलते ना बच्चे अपनी मर्जी का करते हैं, आगे आगे भागने लग गया।
मैं कहती हूँ गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं तो साथ में चलें, दोनों भाई हाथ पकड़ के जाया करें। अच्छा चला लिया अपने टीवी, कितनी गलत बात है। नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मैंने अभी खाना खाया ना तो अब कुछ नहीं खाने वाली। अब थोड़ा सा फ्री हूँ तो एक मन कह रहा है थोड़ी देर के लिए लेट। हाँ मन यही कर रहा है लेट। लेटूंगी तो और काम कैसे होगा, शॉर्ट कैसे बनेगा। शीट फिर तो मुझे अभी बनाना होगा। मेरा मतलब था कि फिर तो मुझे अभी के अभी बनाना होगा क्योंकि तुम किसी भी वक्त उठ के चल दोगे कि मैं जिम जा रहा हूँ। हाँ बहुत बुरा हुआ ये। बाल अभी गीले हैं, मैंने ऐसे ही बाल बांध लिए तो मुझसे कह रहे चाइनीज मास्टर लग रही हो। मैंने यहाँ से थोड़े बाल बाहर निकले हुए थे, पीछे मैंने ऐसे उठा के क्लिप लगा दिया। और क्या कह रहे चाइनीज मास्टर लग रही हो, बाप बेटे दोनों ही मजाक बना रहे थे, फिर मैंने उठा के जूड़ा लगा दिया। हंस क्या रहे हो, तुम ही मजाक बना रहे थे। उस वक्त बस ये था कि मुझे नमाज पढ़नी तो मैंने कैमरा ऑन नहीं किया, वरना मैं दिखाती कि मैं चाइनीज बिल्कुल नहीं लग रही थी। हाँ अंजुम। चलो ठीक है। मुमकिन नहीं है तुझको बुलाना, मुझे अच्छे से गाना नहीं आता ना, डीजे जरूर ले आना। यहाँ का सारा क्लीन कर दिया। एक्चुअली यहाँ पर ना डस्टबिन रखते हैं तो अभी डस्टबिन तो फिर से वापस आ जाएगा यहीं पर कॉर्नर में। और ये जा रहे हैं डस्टबिन, नहीं कूड़ा, अरे नहीं जिम। डस्टबिन जा रहे, कूड़ा जा रहे, ये जा रहे हैं अपना जिम करने के लिए। हाँ चलो ठीक है, आप होकर आओ। और लीची ज़रूर ले आना, मिलेगी बटला उससे तो मिल जाएगी। सब चले गए, अब मैं अकेली रहूँगी थोड़ी देर के लिए, मैं रेस्ट करूँगी फिर उसके बाद उठते हैं फिर देखते हैं। लीची आ गई, लीची चलो शुक्र आप लेकर आए। चार्ज हो गया, बहुत फुल हो गया। तो हो गया होगा, आप गए थे जब ही लगा दी थी ना मैंने। इसको धोकर निकालते हैं, आप चेक कर लें, मैंने देखा नहीं है ना। तो ये आ गया हमारा लीची का गुच्छा, पर इसमें ना इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, फिर भी नहीं अच्छे हैं। मैं इनको चिढ़ाती हूँ, इनको चिढ़ाने में मुझे बहुत मजा आता है। बच्चे भी आ गए हैं। हाँ जी बोलिए, क्या करो। यहाँ से टूट गया देखो अंदर का वो अंजन। नहीं बाबू दिख रहा है, बहुत ज्यादा टूट गया। बहुत अच्छा हुआ ज्यादा नहीं। फ्रेंड्स देखिए मेरा फोन कैसे चूर चूर हो गया, ऐसे कॉर्नर से टूट गया। ये रहा फोन। हाँ यहाँ से दिख रहा है ना, व्हाइट से टूट गया ये पूरा फोन का वो है। ये रयान शोर करता हुए आते हैं। आ जाओ तुम्हारा परदादा, देखो पापा कौन हो आप। परदादा, ये हमारे परदादा हैं। परदादा से तमीज से बात करनी चाहिए। अच्छा परदादा पहले इधर तो आओ, इतने से कह रहा हूँ परदादा से तमीज से बात करनी चाहिए। अरे परदादा जी, परदादा जी हैं, क्या हुआ। आ जाओ आप भी खा लो लीची। हमजा बंद कराओ, तुम भाई खोल के छोड़ आए हैं। चले आप भी, हम लोग लीची खा लेते हैं। ओके परदादा, ड्रॉर में देखो, ड्रॉर में होगी। तो गाइस अभी इनका जो बस ये पेस्ट करने के लिए रह गए, पेस्टिंग का काम करो थोड़ा सा। हाँ जी दिखा रहा हूँ क्या क्या। हाँ जी हाँ जी, यही रख दो उड़ जाएंगी, यही रख दो, मैंने कटिंग करके रखी है अभी। 2000 साल पुराना रेडियो आप देख सकते। हाँ 2000 साल पुराना नहीं है, अभी भी चलते हैं। रखो बच्चा, हाँ रखो मम्मा अभी 2000। तो इनका ये सारा सिलेबस कम्प्लीट हो जाएगा, मंडे को इसको सबमिट करना है स्कूल में। आ गए हैं ये अपना, क्या लेकर आयो। आइसक्रीम लाओ। आइसक्रीम निकालने में देखो मेरा हाथ में लग गई, खून भी निकल गया। मेरा खून निकाल के सारे कैसे मजे से खा रहे। फ्रेंड्स मम्मा ने ना आइसक्रीम के ब्रिक के ना बीच में से कर नहीं काटा, मम्मा ने ऐसे काटा तो पूरा जोर लगा दिया, पूरा चाकू टूट गया अच्छा खासा। और मेरे चोट लगी उसका क्या, ये मम्मा की चोट बहुत अच्छी। सारे आइसक्रीम के मजे ले रहे बैठ के, मम्मा भी लेंगे।
मम्मा ले गई, मम्मा के अभी दर्द हो रहा है देखो खून, मैं पानी से हाथ धोकर आई हूँ फिर भी खून देखो उसकी कोन नोक हो गई ना, नोक घुस गई जो टूट गया था वो कोना वही लग गया। इसको देखो अभी अभी पानी से नहा के आता जा रहा है, मतलब पानी में क्या कर रहा था, मैं भी नहाया हूं। नहाने से मेरा मतलब ये था कि खेल करके आ रहा पानी के साथ में। तो गाइस अब मैं इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, उम्मीद करूंगी आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा होगा और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फैमिली शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट हिट द बेल आइकन। अब मिलते हैं आपसे, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस व्लॉग, मिलते हैं आपसे। तीन लोग तीनों अलग अलग बोल रहे हैं, बाय 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 बाय। चलो नोटिस किया, अगर नोटिस किया तो प्लीज कमेंट में बताइएगा कि ऐसा क्या था, ठीक है, लाइक है, बाय बाय।